गाइस रियलमी ने लॉन्च कर दिया है ये नया नया बड्स वायरलेस 3 नेक बैंड। 12th की सेल में हमने इसको ऑर्डर किया था, 13-14 तक हमारे पास आ गया। आज 17th को वीडियो बना रहा हूँ, 4 से 5 दिन प्रॉपरली यूज कर लिया है। हेलो गाइस, मैं हूँ कैफ नॉइस टेक से। आज मैं आपको बताऊंगा ये रियलमी का वायरलेस 3 नेक बैंड कैसा है, एंड बहुत से लोगों का डाउट है कि इसको कंपेयर करना चाहिए बोट के निर्वाणा 525 ANC से, तो वही वो भी इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टली आते हैं इसके साउंड क्वालिटी ऊपर। भाई यहाँ पे मिल जाते हैं आपको 13.6 mm के ड्राइवर्स। यस, ये AC कोडेक तक सपोर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से LDAC या LHDC कोई अच्छा हाई क्वालिटी कोडेक रहता था, मे बी क्वालकॉम का एप्टेक्स रहता था, थोड़ा सा बेटर हो जाता था साउंड। बट यहाँ पे फिर भी फॉर द प्राइस 1800 का, मैं 2000 में ही बोल सकता हूँ साउंड क्वालिटी अच्छा है। एंड सच बताऊं तो ये मुझे बोट के 525 ANC से ज्यादा अच्छा साउंड लगा है। वहां पे जो डॉल्बी ऑडियो दिया वो एक तरह का गिमिक दिया, इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे बेस ज्यादा मिलता है, बट यहाँ पे कोई बेस की कमी नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात, बोट वाले नेक बैंड में बेस के साथ ट्रेबल सप्रेस होते हैं, यहाँ पे ट्रेबल सप्रेशन बहुत कम है। उसी के बाद बहुत मस्त साउंड क्वालिटी यहाँ पे आपको दिया है। मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ ये नेक बैंड की साउंड क्वालिटी से। रियलमी हमेशा नेक बैंड में अच्छी साउंड क्वालिटी देते आया है, एंड यहाँ पे भी नो एक्सेप्शन। क्लियर साउंड क्वालिटी मिलेगा, ट्रेबल्स बहुत अच्छे है। बेस के लिए भी अलग अलग मोड दिए गए, डीप बेस, प्योर बेस, आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो वाला यूज कर सकते हो। उसके बाद एक चीज जो यहाँ पे मुझे इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी वो है ANC। यहाँ पे ये लोग ने बोला 30 डेसिबल्स तक का ANC की नॉइस कैंसिल कर देता है, मुझे इतना भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा जितना होना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज तक मैंने जितने भी नेक बैंड यूज किए किसी का भी मुझे ANC इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। एंड मेरे हिसाब से तो ANC की इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप 70-80% के ऊपर गाने सुनते हो तो ये इजिली हर आवाज को कैंसिल आउट कर सकता है, आपको 100 तक भी जाने की जरूरत नहीं है। 100% पे ना ही कोई डिस्टॉर्शन होता है, एंड बहुत कम साउंड लीकेज मिलता है। ये रियलमी का जैसे ही आप लिंक ऐप देखोगे तो ऊपर नॉइस कंट्रोल की कुछ सेटिंग्स मिल जाएगी, मोड स्विचिंग की सेटिंग्स मिल जाएगी। नीचे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट मोड है, जैसे मैंने आपको बताया आपको कितना बेस चाहिए कैसे चाहिए यहाँ पे सब कुछ होता है। खुद के इक्वलाइजर सेट कर सकते हो, कस्टम इक्वलाइजर्स बन जाते हैं। सेरेनेड आपको थोड़ा सा वोकल्स पे ज्यादा फोकस चाहिए या एक प्रॉपर नॉर्मल जैसे साउंड आता है वैसे चाहिए। अभी जो स्पेशल ऑडियो है ये बेसिकली आपका हेड ट्रैकिंग करता है, कानों के हिसाब से हल्का फुल्का साउंड को एडजस्ट करता है किस डायरेक्शन से आ रहा है बेसिकली। ये मुझे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, एक डिसेंट ऑप्शन है यस, बट फॉर द प्राइस मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। डॉल्बी एटमॉस में अलग अलग मोड दिए, मैं उसको जनरली स्मार्ट मोड में यूज करता हूँ। जब उसको ऐसे लगता है कि हाँ ये डॉल्बी एटमोस सपोर्टेड सॉन्ग है, प्रॉपर गाना आने वाला है यहाँ से, तब वो खुद मेरे को डॉल्बी ऑडियो में अच्छा गाना देता है एंड मजा आता है। यहाँ देखो तो डुअल डिवाइस कनेक्शन है, ये आपको दिखाएगा कि आपका नेक बैंड कितने डिवाइसेस से पेयर हुआ है अब तक। एंड एक और अच्छी बात है, अगर ये एक साथ दो डिवाइसेस से पेयर है तो दोनों के नाम यहाँ पे दिखा देगा, आप आराम से रियल टाइम में स्विच कर सकते हो। आपको कहीं से भी ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करने कैसे कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मुझे काफी सही चीज लगती है। गेमिंग मोड यहाँ पे लेटेंसी दी गई आपको 45 मिलीसेकंड्स की, जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाली है। एक बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस, फुटस्टेप्स बराबर सुनाई देते हैं, कहां से आ रहे सुनाई देते हैं, आपको प्रॉपर गोलियों की आवाज जल्दी टाइम से सुनाई देगी, हर चीज जल्दी होती है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक काफी बड़ा चेंज दिखकर आता है गेमिंग में। दिखने में ये नेक बैंड मुझे काफी अच्छा लगा, मैं बाकी कलर्स की तो बात नहीं कर सकता, बट मेरे पास ये जो वाइटैलिटी व्हाइट है क्या दिखता है, ये एक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट फिनिश है। ये जो ब्लैक है ये एक्चुअल में मैट ब्लैक है, ग्रेश कलर नहीं है, जिसके कारण बहुत अच्छा दिखता है। ये साइड के जो रिमोट्स है व्हाइट कलर के, ये ग्लॉसी है जिसके कारण ये गंदे नहीं होते, जितने भी गंदे हो आप एक बार उंगली घुमाओ ये साफ हो जाते हैं। रियलमी का ब्रांडिंग एक साइड पे है, एंड राइट साइड पे देखोगे तो सारे बटन है, जिसमें एक ANC का भी बटन दिया गया इसी के अंदर। एंड उसी ANC के बटन को लॉन्ग होल्ड किया तो आप गेमिंग मोड में भी जाते हो। टाइप सी का पोर्ट है, फास्ट चार्जिंग दी गई है। ये जो मैग्नेटिक टिप्स है ये आती है चुंबकीय शक्ति के साथ, मतलब इसको अलग किया आपके फोन से पैर हो गए, इसको चिपकाया फोन से डिस्कनेक्ट हो गए। ये चीज बोट ने 2500 रुपए के नेक बैंड में नहीं दी थी, एंड ऑफकोर्स मोस्टली ऑल नेक बैंड देते हैं फीचर, जो नहीं देते वो बेवकूफ बना रहे आपको। कंफर्ट के मामले में काफी अच्छे है, आराम से आप लॉन्ग आवर्स तक इनको पहन सकते हो। ये कानों का थोड़ा सा ज्यादा भार दिक्कत आता है अगर आप इसको पहनते हो, पर वो इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी ईयर टिप्स के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे नेक बैंड थोड़ा सा वीक लगा, वो है इसकी बैटरी लाइफ। तो गाइस ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है माइक क्वालिटी इस रियलमी के वायरलेस 3 नेक बैंड की। अभी एकदम शांति है, पीछे सिर्फ AC चालू है, ऐसी आवाज आएगी। पर अब चेक करते हैं चालू फैन अगर आपके फेस पे चल रहा है या गाड़ी चला रहे हो तो कैसी आवाज आती है। ये हो गया मेरा फैन चालू, फुल स्पीड में चालू है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी आवाज आती है नहीं आती है। तो मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ भाई आ रही है, एकदम बैकग्राउंड वाली से आ रही है हवा। पर मेरी आवाज आ रही है एकदम क्लियर से नहीं आ रही है? आ रही है भाई, लेकिन थोड़ी सी मैसी हो रही है आवाज। ठीक है ठीक है ओके।
Realme का बोलना है वेबसाइट पे आप देखोगे 40 घंटे तक चल जाता है, पर एक कैच है वो है एट 50% वॉल्यूम ANC टर्न्ड ऑफ, ANC ऑन एट 50% वॉल्यूम 26 आवर्स का प्लेबैक, एंड जनरली लोग 70-80% के ऊपर पे ही गाने सुनते हैं या मूवीज एंजॉय करते हैं। एंड अगर मेरी यूजेज की बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा एवरेज बैटरी लाइफ एक्सपीरियंस मिला, मतलब मैंने ANC ऑफ ऑन दोनों का मिक्स यूजेज सुना, आधा टाइम ये आधा टाइम वो, एंड उसी के साथ साथ वॉल्यूम हमेशा 80 प्लस ही थी। उसमें मुझे आप एक्सपेक्ट करके चलो मुझे 17 घंटे के आसपास का प्लेबैक मिला, जो एक डिसेंट प्लेबैक है, बहुत ज्यादा अच्छा बहुत ज्यादा बुरा नहीं बोल सकते। हाँ, ये आराम से 2 दिन फिर भी निकल जाएगा अगर आप 8-8 घंटे यूज करते हो। फास्ट चार्जिंग दी गई है, 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, 10 मिनट चार्ज किया तो ये 25 आवर्स का प्लेबैक देता है ऐसा उनका बोलना है, पर वो भी एट 50% वॉल्यूम 25 आवर्स का प्लेबैक देगा। एंड ANC टर्न ऑफ 1800 रुपए में एक सॉलिड नेक बैंड है, सॉलिड। अगर आपका थोड़ा सा बैटरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है देन मे बी आपको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मुझे इतना नहीं पड़ा बट मुझे ऐसा लगा आपको बताना चाहिए था बैटरी की बातें तो मैंने बता दी। किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया भाई, खुद ने खरीद के इस प्रोडक्ट रिव्यू बना है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ आप बिल्कुल इसको ले सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। बाय करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।